बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली बनाई है। इसे बिहार शिक्षक नियमावली 2023 नाम दिया गया है। नई नियमावली के मुताबिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए कैप्टेंसी एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम 1 साल के भीतर ले लिया जाएगा। इसके लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें हटा दिया जाएगा। एक ओर जहां अलग अलग शिक्षक संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर कई बिंदुओं पर आपत्ति भी जताई है। TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश कुमार ने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन प्रस्तावित नियमावली के कई बिंदुओं पर हम सभी को आपत्ति है। वहीं प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने एवं सभी शिक्षक नेताओं ने एक स्वर में सरकार से यह मांग की है कि प्रस्तावित परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न पूर्व में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के अनुरूप ही रखा जाएगा। शिक्षक संघ ने मांग की है कि नई नियमावली लागू करने के 1 महीने के भीतर ही कैप्टेंसी एग्जाम कराया जाए। 3 बार परीक्षा में फेल होने पर सेवा मुक्त करने के प्रावधान को हटाया जाए। यह प्रावधान किसी भी सूरत में शिक्षकों को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने जाने से उनकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि 2020 नियमावली में भी शिक्षकों के लिए ऐच्छिक और शिक्षकों के लिए सहमति से ट्रांसफर का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसे 3 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किया जा सका। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि हम सरकार से यह मांग करते हैं कि विभागीय परीक्षा के तत्काल बाद नियोजित शिक्षकों को सहमति से ट्रांसफर का लाभ देते हुए ज्वाइनिंग करवाई जाए। TET परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द विशिष्ट शिक्षक के बदले BPSC उत्तीर्ण शिक्षकों की तरह ही स्कूल टीचर ही रखा जाए। विशिष्ट शिक्षक शब्द का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचर के लिए किया जाता है। ऐसे में यह नया नाम उन्हें स्वीकार नहीं है। एक स्कूल में 2 कोटि के शिक्षक ना बनाए जाए, ऐसे में एक ही कॉमन नियमावली डिपार्टमेंट एग्जाम और BPSC पास करने वाले शिक्षकों के लिए बनाया जाए। एक स्कूल में एक ही केडर के शिक्षक हो, इससे स्कूल एजुकेशन एनवायरनमेंट बेहतर रहता है। डिपार्टमेंट एग्जाम पास करने वाले शिक्षकों को नए पे स्ट्रक्चर में वर्तमान से प्राप्त मूल वेतन के समस्थानिक इंडेक्स का मूल वेतन दिया जाए। इससे किसी भी प्रकार की वेतन विसंगत यानी पे डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। साथ ही भविष्य में भी आपसी वरीयता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। डिपार्टमेंट एग्जाम पास करने वाले शिक्षकों को सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाए एवं प्रमोशन को लेकर 2012 नियमावली के तहत प्रावधानों को स्थायी रखा जाए। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 5 वर्ष के प्रशिक्षित वेतनमान में सेवा के बाद वरीय स्नातक शिक्षकों के पद पर अनिवार्य रूप से प्रमोशन दी जाए। विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी को देय सुविधा NPS प्रेविडेंट फंड ग्रेजुएटी संचित अवकाश बीमा पेंशन को स्पष्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज।